नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हम एक एग्ज़ाम सेंटर पे, आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी 2023 का जो मेन से आज से स्टार्ट हुआ यानी 15 सितंबर से, तो बहुत सारे कैंडिडेट अंदर में जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उन जब बाहर निकलेंगे और आज सिर्फ ऐसे का पेपर है, तो उनसे जानेंगे पेपर कैसा था। कन्वेंशनल था, यूपीएससी ने प्रीलिम्स की तरह ही इसमें भी एक तरीके से मतलब सबको सॉक्ट किया है। तो ओवरऑल हम एक रिव्यू करने वाले हैं। यदि आप लोग मेरा काम, मेरा हार्डवर्क अच्छा लगता है तो चैनल को सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को लाइक और शेयर करना। मजा आया देने के बाद। अब ये कैसे अभी बोल सकते हैं यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, कैसे बोल सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिवाकर है। सर कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेंस मेरा पहला अटेम्प्ट है। अच्छा, ओवरऑल अटेम्प्ट? ओवरऑल थर्ड है। अच्छा सर, मीडियम का रखा है? इंग्लिश मीडियम है। ओके सर, बात करिए सर, पेपर कैसा है? कन्वेंशनल यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार हुआ है, बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया था इसमें? नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लाइन्स पे तो नहीं था मेरे हिसाब से। बाकी और सबका मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। ये थोड़ा सा कन्वेंशनल लाइन्स पे था, फिलोसॉफिकल था, जैसे हर बार की तरह आ रहे हैं फिलोसॉफिकल, लेकिन मतलब ओवरऑल मैनेजेबल था। सर साइंटिफिक एनवायरमेंटल भी रहा ऐसे? नहीं वैसा कुछ नहीं था, मेनली सोसाइटी वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया था। और फिलोसॉफिकल है तो इसको आप कितने भी डायमेंशंस में कर सकते हैं। हाँ जी सर, जितने वर्ड उसमें लिखे जाने होते हैं उतना आपने लिख दिया, 1200 वर्ड्स में पूरा सेटिस्फेक्शन? हाँ जी, मतलब अब सेटिस्फेक्शन खुद के हिसाब से तो बोल सकते हैं, लेकिन अब यूपीएससी क्या डिमांड करता है एग्जैक्टली वो नहीं बता सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। यूपीएससी भवन में पहुँचे और दो एक दो लोगों से बात करना चाहूँगा। सर कैसा रहा पेपर? सर सर पेपर कैसा रहा आपका? सर थोड़ा बात कर दीजिए, पेपर कैसा रहा? देखिए पेपर थोड़ा सा ये होता है कि टफ होता है तो लोग थोड़ा सा कम मतलब इंगेज होना चाहते हैं। सर कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा था सर, मज़ा आया देने में। हाँ ठीक था सर। मीडियम का रखा आपने? इंग्लिश। ओके सर, नाम आपका? दिव्यांशु। ओके सर, अटेम्प्ट कहा जाए तो कौन सा था? फर्स्ट था मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट। मेंस? नहीं नहीं, मेंस का फर्स्ट था, प्रीलिम्स का सेकंड, मतलब ओवरऑल सेकंड था। ओके सर, ऐसे पेपर देने के बाद में किस टाइप का पेपर कहेंगे ओवरऑल? दो मिनट में आप यदि आप कहना चाहते, पेपर का नेचर कैसा रहा, थीम क्या था इसमें? थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट था, मतलब उतना ऑब्जेक्टिव नहीं था, आपको इंटरप्रिटेशन करना था थोड़ा सा इसमें, लेकिन एवरेज था। हाँ फिलोसॉफिकल था बट थोड़ा बैलेंस था जेनरिक की तरफ भी, इजी तो था। कह सकते हैं कन्वेंशनल पेपर रहा है या फिर डिफरेंट रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स की? पिछले साल से इजी था, पिछले साल से एसएस इजी है। हाँ अच्छा, ओके चलिए, थैंक यू सो मच। सर बता रहे हैं कि पिछले साल से इजी है, तो किसी के लिए इजी, किसी के लिए टफ, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है। मैम कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा था। अच्छा अच्छा फील हो रहा है? फीलिंग? हाँ, लास्ट ईयर से तो इजी था टॉपिक्स। अच्छा टॉपिक्स इजी थे। तो आपका नाम मैम? जूही दास। ओके तो अटेम्प्ट कौन सा था आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट मेंस था। ओके समय में आपने कौन सा मीडियम रखा है? इंग्लिश। इंग्लिश रखा है। तो पेपर का नेचर कैसा रहा प्रीवियस ईयर कंपेरिजन में? फिलोसफिकली की बात करिए, इन्वायरमेंटल कैसा था? दोनों ही था, इस बार सोशियो इकोनॉमिक से भी था टॉपिक्स और फिलोसफिकल भी थे। तो प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में इजी? हाँ कंपेरेटिवली इजी था। ऐसा तो नहीं है ना कि यूपीएससी जो इस बार प्रीलिम्स में तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था उसके? ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था सर। ओवरऑल सेटिस्फाइड है? टॉपिक्स थोड़ा बताइए कौन कौन सा था टॉपिक? जैसे कि वुमेन और मेल पे भी था, मतलब जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर काइंड ऑफ इस टाइप का, तो ये नॉर्मल सोशियो इकोनॉमिक का टॉपिक है तो उसमें कोई इशू नहीं है। पहले वाले में थोड़ा फिलोसफिकल था, लेकिन फिर आप जीएस के आंसर्स के बेस में उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल वैंडरर पे क्वेश्चंस थे काइंड ऑफ। ओके मैम बात करिए, आपका एकेडमिक क्या रहा है? मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है। अच्छा आईआईटी है? नहीं आईआईटी नहीं है। अच्छा कहाँ से अपने? मेरा कोलकाता से था। अच्छा कोलकाता से। सो मैम जैसे कि होता ये है कि एसए वगैरह का जो पेपर होता है आर्ट्स मिट्टी वालों के लिए बड़ा उसके फेवर में होता है कहीं ना कहीं, तो डिफिकल्टी आती है आप लोगों को इसके प्रिपरेशन में एसए वगैरह? इनिशियली तो सर आता है, क्योंकि हम लोग में कभी इतना ज़्यादा ऐसे वगैरह लिखना नहीं रहता है, कभी 8 साल 10 साल से ऐसे नहीं लिखा जब तक यूपीएससी में नहीं रखा, तो फिर थोड़ा इशू होता है, लेकिन फिर टाइम के साथ मैनेज हो जाता है, क्योंकि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो धीरे धीरे वो लिखने का एबिलिटी डेवलप हो ही जाता है। तो प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन में हेल्प के लिए आपने कोचिंग वगैरह लिया फिर सेल्फ? नहीं सर, सेल्फ था, मतलब सेल्फ आपने किया? हाँ सेल्फ था। हाँ ओके थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट। यूपीएससी भवन में अब जाएँ और इंटरव्यू में अपीयर हों। एक दो लोगों से और बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा और समझ लें चीज़ों को कि किस टाइप पेपर आया है। मैम आप लोगों का पेपर कैसा रहा है? आपका पेपर कैसा रहा है मैम? पेपर ठीक था, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ था,
मॉडरेट था, डुएबल था। ओके सुमाई, आपका नाम और आपका अटेम्प्ट और मीडियम का रखा आपने? मेरा मीडियम इंग्लिश था और मेरा नाम सागरिका है। अटेम्प्ट कौन सा है? मैं पहला अटेम्प्ट है। अच्छा, पहला अटेम्प्ट आपका। तो पहले अटेम्प्ट में आप जो है कि मेंस लिख रहे हो, इस बार का जो पीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपको? जी, मेरा इंजीनियरिंग। अच्छा, कहाँ से इंजीनियरिंग किया आपने? मैंने बीआईटी मिश्रा रांची से किया था इंजीनियरिंग। बीआईटी मिश्रा से बहुत सारे लोग सिलेक्ट भी होते हैं आपके? पता नहीं क्या होगा, मैंने बहुत लोग वहाँ से इंटरव्यू किया हूँ। समय में किस टाइप पेपर कर सकते हैं, कन्वेंशनल कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में इसको तुलना करी जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो किस टाइप पेपर है ऐसे का? मॉडरेट कहूँगी कि बहुत टफ भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, डुएबल पर था कि हाँ अगर पढ़ के आया तो हो जाएगा, वो कर सकते हो आप। थीम क्या रहा था मतलब पेपर का, किस किस टॉपिक्स पे बेसिकली बेस्ट था? थीम्स अलग अलग, एजुकेशन पे भी था, वेमेन पे था और फिलोसफिकल टॉपिक्स थे, तो मिक्स था। कैसा फील हो रहा है पेपर देने के बाद में, क्या फीलिंग गुड और स्ट्रेस किस टाइप का? मतलब नहीं, कल एक्चुअली कल और परसों है तो उसका थोड़ा सा टेंशन है, बस वही है ना। उसकी प्रिपरेशन भी ओवरऑल अच्छी है, मतलब है, लेकिन कुछ कहने अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, अनएक्सपेक्टेड पब्लिक सर्विस कमीशन तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पेपर लिखने में जो मतलब 1200 वर्ड्स में लिखने होते हैं, दो आपको लिखने होते हैं सेकंड जो टॉपिक्स, तो लिखने में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, कलम जैसे रुक गया हो या फिर अब दिमाग में चीज़ें नहीं आ रही हो? उसमें सोचना तो पड़ता है, आप एक पहले से वो बनाते हो माइंड में आपकी, हाँ ऐसे ऐसे लिखना है, तो उसमें आप 20-25 मिनट ऐसे देते हो तो वो फिर उतना फिर दिक्कत नहीं होता, वो फिर हो जाता है, बस स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी फिर फ्लो में हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हम इस वर्ष विश करते हैं कि पीएससी भवन में जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनलिस्ट में हमें, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कुल मिला के बहुत लोगों से मैंने बात करा, पीएससी है, अनएक्सपेक्टेड है ये, इसमें कुछ कहना? सर आपने पेपर दिया है क्या? अच्छा, आप यहाँ के स्टूडेंट हैं। मैम, आप लोगों का पेपर कैसा रहा है? आपका पेपर कैसा रहा है? ठीक था। अच्छा, आपका नाम? साक्षी। ओके, अटेम्प्ट कौन सा था? फोर्थ अटेम्प्ट है। अच्छा, और मेंस? फर्स्ट मेंस है। तो इस बार का तो प्रीलिम्स बड़ा टफ था, तो फिर भी आप इसको क्वालिफाइड कर गए हो? ये मुझे भी नहीं पता, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था कि जो भी पॉसिबिलिटी जितने भी हो वो हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ओके, बस। तो पेपर देने के बाद मजा आया आप लोगों को? पता ही नहीं चला पेपर हो गया, एक्चुअली खत्म हो गया तुरंत ही, टाइम और शायद रहता तो लिख लेते। और प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में ये ऐसे वाला पेपर किस टाइप का था, उसी टाइप का था या थीम वगैरह? पेपर अलग ही होता है हर बार, कोई हम लोग तो लगता है जो भी पढ़ के और कुछ और ही पूछ लेना होता है, इसीलिए मतलब कुछ भी पढ़ो मतलब पेपर अलग ही थोड़ा होता है। तो पेपर देने के बाद फीलिंग गुड और स्ट्रेस क्या मतलब कहना चाहोगे? पेपर के बाद ये सब नहीं सोचना चाहिए, अब अगला पेपर दो देखो। अब अगला पेपर दो, उसके बाद देखो क्या रिजल्ट में आ रहा है। विशु बेस्ट ऑफ लक, आप मेंस क्वालिफाइड हो और आप यूपीएससी भवन में जाओ। आपसे बात की, सर आपने भी दिया है लगता है, आपका सर कैसा रहा? मेरा मतलब ठीक था, रिजल्ट आया उसके बाद से पता चलेगा। अटेम्प्ट और सर आपका नाम और मीडियम का? मेरा नाम प्रशांत कुमार तिवारी है और जो मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, मेंस का पहला अटेम्प्ट है। मीडियम क्या रखा? मीडियम इंग्लिश था। इंग्लिश मीडियम रखा है। ह्यूमैनिटी वगैरह बैकग्राउंड से क्या, आईआईटी से है, इंजीनियरिंग से? आईआईटी इंजीनियरिंग नहीं है, मेरा बीएचयू से। अच्छा, बीएचयू से, तो मैं भी पास आउट दरअसल में। तो नहीं, मैं अभी मैंने 2020 में पास आउट करा था। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट से? मेरा था फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट था। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग वो साइंस फैकल्टी? हाँ, वो साइंस में आ जाता है, तो प्रोफेशनल कोर्स ऑफ साइंस हो गया। हाँ, तो वो मेरा कोर्स था इंस्टीट्यूट साइंस में, वोकेशनल स्टडीज में आ जाता है। हाँ, वोकेशनल में आ जाता हूँ। तो फिर 2021 में मैंने अटेम्प्ट करा था, नहीं हुआ प्री, फिर मैंने 22 में दिया ही नहीं, 22 में मैं मतलब जॉब करने से चला गया था। अच्छा, तो जॉब भी कर रहा है, जॉब के साथ प्रिपरेशन? नहीं, मैंने उस एक साल मैंने जॉब करा पूरा 22 में पूरा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने जॉब करा था। फिर उसके बाद से फिर डेंगू हुआ दिल्ली से, फिर घर आ गया, फिर पढ़ने लगे, फिर प्रिपरेशन में प्लेस गया तो आगे होगा ही नहीं। तो दिल्ली गए थे प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब घर से ही, कॉलेज में और घर पे? घर से ही। कोचिंग वगैरह कुछ नहीं है? कोचिंग नहीं लिया मैंने। मजा आया पेपर देने के बाद? पेपर ठीक ही था, मतलब मजा क्या, जब तक आपका रिजल्ट आ जाए तब तक क्या कह सकते हैं। तो मतलब किस टाइप के टॉपिक थे और प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में किस टाइप पेपर कहेंगे, टफ कहेंगे, इजी कहेंगे? जैसे कि मैम से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ड्यूएबल था, थोड़ा सा इजी था, एक दो लोगों से और मैंने बात करा तो उन्होंने बताया, आपको आपके नहीं इजी, आपका सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। इजी यूपीएससी आपकी इजी तो पूछती नहीं है, मतलब हर बार से कुछ ना कुछ अलग होता है। दोनों के दोनों टॉपिक थे, पूरे फिलोसफिकल थे, तो मतलब पेपर का पैटर्न आप 10 बार दो या 5 बार दो, मतलब यूपीएससी आपके लिए हमेशा नहीं कुछ ले आती है।
एक्सपीरियंस होकर आपके पास लिखने का आइडिया हो जाता है वो थोड़ा सा अलग चीज़, लेकिन पेपर ठीक था जैसे पिछले बार था वैसे इस बार का पेपर भी था। कल के सर जीएस के लिए प्रिपरेशन ठीक है? अच्छा ठीक है, पेपर के देखे पता चलेगा। वो तो ऑप्शनल क्या रखा आपने? ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी, अच्छा। तो सोशियोलॉजी में थिंकर्स पर बहुत परेशान करते हैं, स्टैंडर्ड थिंकर वगैरह। हाँ, और उसके अलावा पहले तो मेरा बैकग्राउंड भी वो नॉन ह्यूमैनिटीज है, तो वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। पेपर अभी है, टाइम है, 22 को पेपर, 23 को सोशियोलॉजी का पेपर है, 24 को 23 को लैंग्वेज का पेपर है सोशियोलॉजी। लेकिन कंपेरेटिवली और जो सब्जेक्ट्स हैं मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कह लेंगे, क्योंकि वो आप ऑलरेडी देख रहे मतलब जिन चीज़ों को उसको लिखना है थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज मतलब मैटर सेकंड आसान है सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट। हाँ, पेपर सेकंड में आपका इंडिपेंडेंस है, रूरल सोसाइटी है, कास्ट है, प्रिंसिप है, तो वो जो आप चीज़ें रोज़ देख रहे हैं, जैसे कि मैं गाँव से आता हूँ तो चीज़ आपको दिख रही है सारा, जो कास्ट है कि आप देख रहे हैं, रूरल बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो सोशियोलॉजी कंपेरेटिवली जो सेकंड पेपर है वो थोड़ा सा ठीक है, फर्स्ट पेपर वाला जो थिंकर्स वगैरह मतलब ठीक है, और ऑप्शनल के अलावा सोशियोलॉजी थोड़ा सा। आपसे मैं एक बात पूछूं, इस बार जो UPSC प्रीलिम्स हुआ था बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, और जो कि इसमें एलिमिनेशन टेक्निक बिल्कुल तरह से फेल हो चुका था, तो आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाइड किए हैं, इसमें अच्छे अच्छे लोग मात खाएँ, IT लोग भी मैं एक दो लोगों को जानता हूँ जो IPS हैं, 417 रैंक हैं वो, विवेक कुमार मौर्य इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाइड नहीं कर पाए, उनका इंटरव्यू गया था मैंने, तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि अगले साल में जो अपीयर होंगे UPSC प्रीलिम्स 2024 में, तो किस बेस पर तैयारी करें, उनका क्या स्ट्रेटेजी वगैरह होनी चाहिए? प्रीलिम्स का ये कि आप क्वेश्चन करिए, मतलब बुक पढ़ने से मतलब शायद ना हो, मतलब आपको क्वेश्चन जितना करेंगे आप जितना प्रैक्टिस करिए पढ़िए, पढ़ने ज़्यादा आपका प्रैक्टिस करना, वो आप जब वो चीज़ आप मतलब इनहेरिट हो जाएगी, आप इंटरनल मतलब आत्मसात कर लेंगे अंदर, आप मतलब दिमाग में आपकी चीज़ें आ जाएंगी क्वेश्चन करते करते, वो चीज़ वो प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, वो उसके लिए कोई पैनेसिया नहीं कि आप एकदम पढ़ के आप कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। इस बार से विश करता हूँ कि UPSC भवन में आप पहुँचें और इंटरव्यू